में झूठी रिपोर्ट दर्ज करने वाला बिजली विभाग मुर्दाबाद। किसानों में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला बिजली विभाग मुर्दाबाद। भाई कहते हैं हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं इस अन्याय के विरुद्ध, जो भी यहाँ सक्षम अधिकारी है वो आ जाए और हमारा ज्ञापन ले जाए। हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और जिन लोगों ने गलती की है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी अनजान आदमी के ऊपर ऐसा दर्ज रिपोर्ट ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो। जनाब खड्डे खोदे कोए किसान के लिटल होने न थे, हम उसको खड्डा उठा को नहीं मारा। हमारे निवेदन है, कई बार आक्षेप कर चुके हैं, एसी साहब से कर चुके हैं, एसडीओ साहब से कर चुके हैं, या तो हमने ये बोला था पंचायती तौर पर वो आदमी आ जाए, यही वगैरह दो भी होगा, वैसे जिन्होंने नया नाम रखा है नियमाधर्मी हो जाएगी, हम मान लेंगे। अब वो नियम कर जाएगा मैं भर दूंगा, लेकिन वो ना नियम करने के लिए तैयार है ना को क्या कहानी करी है, लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये आपको चेतावनी है, एक सप्ताह के अंदर अंदर अगर हमारा समाधान नहीं निकला तो पूरे जिले की मीटिंग यहां बुलाएंगे, फिर वो आपने वो जो ये क्या पता है, ये अलग अलग गांव के लोग हैं, ये सभी जगह इस बात को लेकर आक्रोश है लोगों में, आपके विभाग के और आपके आदमियों के खिलाफ। तो झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं आपने कुआ है जी, गांव से जो पानी की हुआ है पाइपलाइन दाबा सड़क से, इस बारे में मैं इनको कल भी क्लियर कर चुका हूँ, इससे पहले एसी साहब सारे अधिकारी क्लियर कर चुके हैं क्या प्रोसीजर है क्या है क्या। अब मैं इन लोगों को बता दो क्या प्रोसीजर क्या कर लेते हैं, आज मीटिंग बुलाई थी नहीं, मैं शांत कैसे हो जाऊंगी, आपके खिलाफ भी कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो गया आपको पता लगेगा उसके मैं कैसे शांत होते हैं, मैं रखूंगा बोल रहा हूं साहब, थोड़ी डिटेल बता दो आपके ऑफिस की बात है क्या कारण। हां बता दो जी, थेफ्ट पकड़ने गए यहां से, एक मिनट सुनो, वो सबूत देना पड़ेगा कोर्ट में, दे देंगे सबूत कोर्ट में, दे देंगे भाईचारे में ऊपर से सोड़ा है और नहीं तो कोर्ट में सबूत दे देंगे भाई साहब, दो रुपये बात है वो तो सबूत दे दो। हां कोई लंबी छोटी बात आप दे दो ना, भाईचारे में सोड़ा है, सुनिए आप हमसे बात कीजिए, ऑफिस में आए हो भाई साहब, क्या समझ नहीं आ रहा है, तेरे गांव के आदमी ने यह बात की है कि वो फलाने का आदमी है, जब उनका लड़का ना भरी अब ये वाली समय नहीं दूंगा मैं, वो तो करने का कर दिया चोरी थी वहां हमने भर दी, अगर आप मेरा नाम लोगे तो चलो सर इसका समाधान, अगर आप मेरा नाम लोगे तो एफ आई आर कटेगी, समाधान समाधान देखो जी गांव से निकलेगा ना, गांव समाधान करना नहीं करे ना ऐसा है, अगर लड़ाई करनी है तो ना तो किस ज्ञापन का मतलब रह जाता है, बातचीत का मतलब रह जाता है, और आपका जो तरीका है थोड़ा उत्तेजित होना, मैं आपको कल एक घंटा लगा के परसों समझा भी चुका हूँ, एसडीएम साहब भी बता चुके हैं, एससी साहब भी बता चुके हैं, ठीक है, अब ये उन्होंने चलान काटा है और जो भी विभागीय कार्रवाई थी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करी, फिर भी अगर क्योंकि न्याय प्रणाली है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो वो इन्वेस्टिगेशन जो भी अधिकारी रोहतक से या आईबी विजिलेंस से जो भी डेप्यूट होगा आप उनको दीजिए, वो अपना देंगे आप अपना दोगे। आज जो ज्ञापन देने के लिए आप पहुंचे, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ये है कि बिजली विभाग मनमानी कर रहा है और हम किसान यूनियन के लोग हैं, जब भी मनमानी करता है कोई अन्याय विभाग करता है तो हम पब्लिक के साथ आके उनका वाजिब काम करवाते हैं, इसलिए इन्होंने द्वेष भावना में कथूरा में एक तालाब है जिसका नाम है श्यामियाड़ा, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसमें
गंदे पानी का पूरे गांव का पानी आता है, उसकी निकासी के लिए पंचायत समिति की तरफ से पाइपलाइन दबाई हुई है, और वो लोग वो किसान लोग अपने घरों को बचाने के लिए, स्कूल को बचाने के लिए पानी की निकासी कर रहे थे। रात के समय 4 और 5 बजे का टाइम था, बिजली विभाग के आदमी गए, वो 2 हॉर्सपावर की मोटर चल रही थी, उन्होंने बिजली की चोरी का वो भर दिया और नाम मेरा ले दिया। मेरा उस चोरी से कोई वास्ता नहीं है, मैं किसान यूनियन का लीडर होने के नाते इन्होंने द्वेष भावना में मेरे साथ कैसा है, मैं एसटी साहब और एक्शन साहब और एसडीओ साहब सभी अधिकारियों के चक्कर काट चुका हूं। मैंने ये मांग पहले ही रखी थी कि मेरा इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है, निष्पक्ष जांच करवाइए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मगर विभाग के जो अधिकारी लोग हैं अपने आदमियों को बचाने के चक्कर में कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम अल्टीमेटम देते हैं कि 1 हफ्ता के अंदर अंदर जिन लोगों ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है मेरे ऊपर, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगली 22 तारीख को पूरा सोनीपुर जिले के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और वो अगली रणनीति है जो वो बता दी जाएगी। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, इस ज्ञापन के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि अन्याय किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर बिजली वाले आज हमारे ऊपर अन्याय झूठा मुकदमा दर्ज करवाने में सही साबित हो जाते हैं तो ये सैकड़ों लोगों का भविष्य खराब करेंगे। ये हमारी लड़ाई है, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई है। ये जब तक हमारे सांस में शरीर में एक खून का कतरा है तब तक इस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाएगी। हर गांव में लग रहे हैं बच्चे डूबने लग रहे हैं गाड़ा में, तो उत्साह किसी का नाम ले दें बिजली वाले, ऐसे थोड़ी चलेगा। मेरे साथ ये भी अन्याय किया गया है, इन्होंने खाली नोटिस दिया गया है, मैंने FIR की कॉपी भी मांगी थी साथ में, इन्होंने जो झूठा साचा हवाला बनाया है, कौन मौके पर था, किसने गवाह है, कौन क्या है, वो भी रिपोर्ट मेरे को नहीं दी जा रही, मेरे को गुमराह किया जा रहा है, वो भी रिपोर्ट ये नहीं दे रहे। सर, किसान नेता सत्यवान नरवाल उसके खिलाफ जो है कि चोरी का मामला दर्ज करवाया आपने, क्या पूरा मामला था और ज्ञापन देने भी आज पहुंचे हैं? हाँ, ये कथुरा सब डिवीजन का कथुरा गांव का है। 3 तारीख को बिजली की टीम जो है बिजली चोरी की चेकिंग कर रही थी, तो उन्होंने एज पर नियम अनुसार जो है एविडेंस के आधार पर बिजली चोरी का केस इनका बनाया हुआ है। तो अब ये यूनियन के माध्यम से SDO पे मुझ पे ये चीजें कर रहे हैं कि भैया गलत है क्या है, बाकी विभागीय नियम अनुसार FIR भी हो चुकी है, नोटिस भी जा चुके हैं और जो भी आगे कार्रवाई होगी नियम अनुसार होगी। तो जांच की कह रहे हैं सर, वो निष्पक्ष जांच किस प्रकार होगी? जैसे FIR हो चुकी है तो अब वो पुलिस अथॉरिटी जो विजिलेंस थाने की हमारी जो INP पुलिस स्टेशन है वहां से जो भी IO डेप्यूट होगा और बाकी न्याय प्रणाली है, अगर कोई गलत है तो उसका भी समाधान न्याय प्रणाली से ही होगा। इस तरीके से ऊंची आवाज में यूनियन वादी से तो ऐसा नहीं होगा, बाकी हमारे लिए तो विभाग के जो भी नियम है और पब्लिक हित है, कोई कर्मचारी भी किसी के साथ क्यों गलत करेगा, उनके पास भी कोई इनपुट होंगी ऐसी। अब बिजली चोरी का केस बनाया है, अब मैं कैसे या कोई और अधिकारी उसमें कैसे कटिंग कर देगा, तो अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, FIR लॉज हो चुकी है, जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ठीक ही होगा। अगर किसी को भी कोई एतराज है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अथॉरिटी को या माननीय न्यायालय में दे सकता है, वहां से न्याय होगा।